अस्सलाम वालेकुम, हरिज मोहम्मद सदर खान और आप देख रही है इंग्लिश टेक्निकल रफ्तार। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, और आप अगर इस चैनल पर न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो सके। जी तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्रैक्टिस। जैसा कि आप जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने अच्छे तरीके से देख लिया है, और आज हम करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि अगर एग्ज़ाम में ऑब्वियसली यानी कि किसी भी एग्ज़ाम में अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पूछा जाता है तो उसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि आपको यानी कि नाउन की डेफिनेशन क्या है, प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है, या फिर आप उसका कोई सेंटेंस बना दें, यानी हो यानी कि उसमें ये होगा कि आपके मल्टीपल चॉइस ही होते हैं, तो मल्टीपल चॉइस प्रैक्टिस से ही आएंगे आपको। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आते भी होंगे तो भी आपके लिए 50-50 चांस होंगे कि आप सही कर सकते हैं या गलत। तो इसलिए वो 50% को 100% में चेंज करने के लिए आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो आज हम इस वीडियो में नाउन की प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो जी तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और करते हैं स्टार्ट। जी यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जो कि प्रैक्टिस के लिए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, पिक आउट द नाउन, नाउन को पिक करना है फ्राम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो सेंटेंस नीचे दिए गए हैं उसमें नाउन को हमने सेलेक्ट करना है। जी तो क्या है, जैसे शाहिद इज़ माई ब्रादर एंड शहीन इज़ माई सिस्टर। अब इसमें क्या होगा, शाहिद इज़ माई ब्रादर एंड शहीन इज़ माई सिस्टर, हम नाउन की बात कर रहे हैं। तो इसमें नाउन क्या आएगा, इसमें नाउन शाहिद एंड शहीन, शाहिद एंड शहीन आर द एग्जांपल्स ऑफ नाउन। तो नेक्स्ट मज़ीद देख लेते हैं जी, डेस्क आर मेक ऑफ वुड एंड स्टील। स्टील यानी कि डेस्क जो है वो किससे बनाए जाते हैं, डेस्क आर मेक ऑफ वुड, लकड़ी से बनाए जाते हैं, एंड स्टील और स्टील से, डेस्क लकड़ी और स्टील से बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या नाउन होगा, इसमें डेस्क नाउन है वुड एंड स्टील, डेस्क वुड एंड स्टील आर द एग्जांपल्स ऑफ नाउन। जी नेक्स्ट है, गिव मी द पेन, लिंग लाइंग ऑन द टेबल, गिव मी द पेन लाइंग ऑन द टेबल, यानी कि मुझे वो पेन दीजिए जो टेबल पे पड़ा है। तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें पेन और टेबल आर द एग्जांपल्स ऑफ नाउन। जी नेक्स्ट सेंटेंस है, काउज गिव मिल्क विच इज टू मेक बटर, काउज गिव मिल्क, गाय दूध देती हैं, विच इज़ टू मेक बटर, जिससे क्या बनता है, मक्खन बनता है। जी इसमें क्या आएगा, काओ मिल्क एंड बटर आर द एग्जांपल्स ऑफ नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई कम फ्राम लाहौर द कैपिटल ऑफ पंजाब। तो यहाँ पे क्या आएगा, लाहौर एंड पंजाब आर द एग्जांपल्स ऑफ नाउन। जी द बॉयज प्ले गेम्स इन द ग्राउंड, जी क्या है, द बॉयज प्ले गेम्स इन द ग्राउंड। तो इसमें क्या आएगा, बॉयज गेम्स एंड ग्राउंड आर द एग्जांपल्स ऑफ नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है, सायरा वाज इम्प्रेस्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द सीन, सायरा किससे हुई, इम्प्रेस्ड हुई, सायरा वाज इम्प्रेस्ड, सायरा इम्प्रेस हुई बाय द ब्यूटी, ब्यूटी से ऑफ द सीन, जी ब्यूटी के सीन से इम्प्रेस हुई। अब उसमें हमारा नाउन क्या आ जाएगा, सायरा एंड सीन आर द एग्जांपल्स ऑफ नाउन। जी नेक्स्ट है, द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास। तो इस सेंटेंस में क्या आएगा, इस सेंटेंस में टीचर एंड क्लास आर द एग्जांपल्स ऑफ नाउन, टीचर एंड क्लास आर द एग्जांपल्स ऑफ नाउन। जी नेक्स्ट सेंटेंस है, असलम इज़ अफेयर्ड ऑफ हिज फादर्स एंगर, असलम इज़ अफेयर्ड ऑफ फादर्स एंगर, असलम जो है वो बाप के गुस्से से क्या है, खौफज़दा है, परेशान है। तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारा असलम एंड फादर, असलम एंड फादर आर द एग्जांपल्स ऑफ नाउन। जी नेक्स्ट है, हमारा गोल्ड इज़ अ मेटल, गोल्ड इज़ अ मेटल मोर कॉस्टली देन सिल्वर, गोल्ड इज़ अ मेटल, मेटल एक मादा है, एक मादा है, मोर कॉस्टली देन सिल्वर, किसे,
मेटल जो गोल्ड का मेटल है वो सिल्वर से ज़्यादा कॉस्टली है, तो इसमें क्या आ जाएगा, गोल्ड मेटल एंड सिल्वर आर द एग्जांपल्स ऑफ नाउन। जी ये थे हमारे टेंस एंड टेंसेस, उम्मीद है कि आपको इनके तमाम कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, यानी कि आपको नाउन का पता चल गया होगा। ऑब्वियसली ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, नाउन क्या होता है, द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस आर थिंग इज कॉल्ड अ नाउन। नाउन जो होता है वो किसी शख्स जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं। तो अब यहाँ पे जितनी भी जगह आई है, चीज़ आई है, या फिर हमारी यानी कि थिंग आई है, यानी कि नेम आया है, किसी भी पर्सन का नेम आया है, किसी भी चीज़ का नेम आया है, या फिर जगह का नेम आया है, वहाँ पे हमने नाउन को यूज़ किया है, और बाकी हमारा जो है वो सेंटेंस रिलेटेड टू सेंटेंस जो है वो हमारा चल रहा है। तो आने वाले वक्त में हम देखेंगे काइंड ऑफ प्रोनाउन्स, उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो सके। जी तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।